हेलो एवरीवन, मैं गार्गी गुप्ता, जीजे एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट सेकंड पेपर शिक्षा शास्त्र में जून 2023 की क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आज हम ज्ञान अर्जन करने की वैज्ञानिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं होता है? सत्य का प्रयोग, तथ्य ज्ञात करना, चरों का नियंत्रण या घटनाओं का पूर्वानुमान या प्रिडिक्शन। इसमें आंसर हमारा है चरों का नियंत्रण। ज्ञान अर्जन के लिए आवश्यक नहीं है वैज्ञानिक विधि में। शिक्षावाणी है, शिक्षावाणी के बारे में बताना है। इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पॉडकास्ट ऐप है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का समाचार पत्र है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा प्रकाशित जर्नल है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का दूरदर्शन प्रसारण है। तो ये क्या है, ये एक पॉडकास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य इस कथन की जांच करता है? परिवार के सदस्य और आत्मीय दंपत्ति दैनिक आधार पर पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं और अपनी अपनी स्थिति के बारे में साझा समझ तक पहुंचते हैं। द्वंद सिद्धांत परिप्रेक्ष्य, प्रकार्य सिद्धांत परिप्रेक्ष्य, सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत परिप्रेक्ष्य या वार्तालाप सिद्धांत परिप्रेक्ष्य। तो इसमें यह आएगा सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत परिप्रेक्ष्य या सोशल इंटरेक्शन थ्योरी पर्सपेक्टिव्स। कियर एजुकेशन पर बल दिया गया है किसके द्वारा? नेल नॉडिंग्स द्वारा कियर एजुकेशन पे बल दिया गया है। ये क्वेश्चन 2022 में एक बार और आ चुका है, ये जून 2023 में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। जे कृष्णमूर्ति के विचार अनुसार एक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी सकता है यदि वहनता पूर्वक जीवन जी सकता है यदि वह प्रतिस्पर्धा में दूसरों को पछाड़ देता है, चुनौतियों को स्वीकार करता है, गैर प्रतिस्पर्धी है, साहसी एवं बुद्धिमान है। तो इसमें क्या है, वो गैर प्रतिस्पर्धी है तो वो कैसा जीवन जी सकता है? प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी सकता है, क्योंकि उसको ना कोई चिंता है कि मुझे उस किसी से कंपटीशन में जीतना है, ना उसे जीतने की चिंता है, ना उसे हारने की चिंता है। ठीक है, तो वो गैर प्रतिस्पर्धी है तो वो अच्छे से जीवन जी सकता है। किसने कहा ये विचार? जय कृष्णमूर्ति ने कहा। सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि तंत्र किसके आवश्यक घटक हैं? किसके कंपोनेंट्स हैं ये? संकलात्मक मूल्यांकन के, नैदानिक मूल्यांकन के, रचनात्मक मूल्यांकन के, नियुक्ति संबंधी निर्णय के। तो ये हैं रचनात्मक मूल्यांकन के कंपोनेंट्स। योग्यता आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। योग्यता आधारित मूल्यांकन की बात की जा रही है, उसका महत्वपूर्ण उपकरण पूछा जा रहा है। अंकों की एक मानक संदर्भित व्याख्या, परीक्षार्थी के साथ आमने सामने साक्षात्कार, एक मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, अंकों की मानदंड संदर्भित व्याख्या। इसमें आंसर आएगा डी, अंकों की मानदंड संदर्भित व्याख्या। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एक समेकित कंपोजिट संस्था है? एक संस्था जो एकमात्र अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम चला रही हो, एक संस्था जो एकमात्र स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम चला रही हो, एक संस्था जो बहुविषयक शिक्षा कार्यक्रम चला रही हो, एक संस्था जो एकमात्र डिप्लोमा कार्यक्रम चला रही हो। देखिए, अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम वाली तो ग्रेजुएशन लेवल की संस्था होगी, वो महाविद्यालय PG कॉलेज होगा, और एक साथ बहुविषयक कार्यक्रम चलाने वाली संस्था यानी मल्टी टीचर एजुकेशन को कहा जाएगा समेकित संस्था। ठीक है, समेकित शिक्षा के लिए जिसका उपयोग किया जाता है तो वो समेकित संस्था कहलाती है। एक संस्था जो एकमात्र डिप्लोमा कार्यक्रम चला रही हो तो ये अलग संस्था हो गई। आंसर आ गया हमारा सी, एकमात्र एक संस्था जो बहु शिक्षक का शिक्षा कार्यक्रम चला रही हो। तो ये NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त होती है या NCERT द्वारा इन संस्थाओं का संचालन किया जाता है।
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप फ्रेमवर्क के बारे में बात हो रही है, काशन का सही वर्ष कौन कौन सा है? तो इसमें तीन वर्ष है, 1975, 2000 और 2005 में। नेक्स्ट, करिकुलम जो है वो इन तीनों वर्षों में चलाया गया था। ऑप्शन देखते हैं, इसमें दे रखा है बी। तो इसमें यहाँ 87 दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको नहीं देखा था। यहाँ देखिए, इसमें 88 जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही आंसर है, बी, डी एंड ई। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाप उपकरण की विश्वसनीयता के लिए सही है? यह दिए गए उपकरण के लिए निश्चित किया गया है, यह परिमाप उपकरण पर स्कोर का उनके साथ सह संबंध है, इसमें एक प्रतिदर्श से दूसरे प्रतिदर्श में भिन्नता होती है, इसका मान -1 से +1 तक भिन्न हो सकता है, यह इसके निर्धारण के लिए प्रयोग किए गए प्रतिदर्श के आकार से प्रभावित होता है। तो इसमें देखिए, इसमें इन्होंने तीन ऑप्शन माने, यह परिमाप उपकरण पर स्कोर का उनके साथ सहसंबंध है, इसमें एक प्रतिदर्श से दूसरे प्रतिदर्श में भिन्नता होती है, यह इसके निर्धारण के लिए प्रयोग किए गए प्रतिदर्श के आकार से प्रभावित होता है। इसमें ऑप्शन इसमें बी है। 1932 में किसने समेकित रेटिंग्स की विधि को प्रस्तुत किया? किसने किया? लिकर ट्रेंसिल ने किया। 1932 में समेकित रेटिंग की विधि को लिकर ट्रेंसिल ने प्रस्तुत किया। व्यक्तिक वॉक आत्मनियंत्रित व्यवहार को संचालित करता है, कौन सा मनोवैज्ञानिक इस विचार को दृढ़ता पूर्वक मानता है? कौन मानता है इस विचार को? लेव वाइगोत्स्की इस विचार को दृढ़ता पूर्वक मानते हैं। ऑप्शन इज बी, आंसर हमारा बी हो जाएगा। परीक्षा पुनः परीक्षा अर्थ विभाजित समानार्थी समानांतर रूप और युक्ति संगत समानता की पद्धतियां प्रयुक्त होती हैं। एक परीक्षण की वैधता के मापन हेतु, एक परीक्षण की व्यवहार्यता उपयोगिता के मापन हेतु, एक परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु, एक परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता के मापन हेतु। तो जहां पर परीक्षण पुनर्परीक्षण किया जाता है, वहां विश्वसनीयता की बात होती है। विश्वसनीयता जांच करने के लिए हम किसी भी परीक्षण को दोबारा से करते हैं या कई बार भी करते हैं, जिससे कि परीक्षण की विश्वसनीयता का मापन किया जा सके। सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि है अचेतन भौतिक वस्तु, अर्धचेतन भौतिक वस्तु, चेतन भौतिक वस्तु या चेतना अथवा बुद्धि चैतन्य। तो यहां पर आंसर आएगा अचेतन भौतिक वस्तु एंटिटी। पोर्टफोलियो विकास मूलतः है एक स्वेता स्फूर्त स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस स्थिर प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस गतिशील प्रक्रिया, टीचर सेंटर्ड प्रोसेस अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया। तो कौन सी प्रक्रिया है पोर्टफोलियो विकास? डायनेमिक गतिशील प्रक्रिया के रूप में इसे देखा जाता है। पाठ्यक्रम प्रारूप को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें, तैयारी, विकास, साक्ष्य जुटाना, कार्यान्वयन, निगरानी या मॉनिटरिंग और मूल्यांकन। तो इसमें इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले तो हम साक्ष्य इकट्ठा करते हैं किसी चीज को करने के लिए, पाठ्यक्रम को बनाने के लिए पहले हम सबूत इकट्ठा करते हैं या सामान इकट्ठा करते हैं, जो कंटेंट होता है वो लेते हैं ना। उसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के बाद डेवलपमेंट करते हैं, उसका विकास करते हैं, उसके बाद कार्यान्वयन करते हैं या संचालन करते हैं, और उसके बाद निगरानी या मूल्यांकन का काम करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। दो प्रकार के स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इन दोनों के बारे में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन एक है, सभी शिक्षक संभावनाशील नेता हैं, वे सभी अपने चारों ओर वालों को प्रभावित करते हुए अपना अनुयायी बना सकते हैं,
चाहे विभागाध्यक्ष की हैसियत से, शिक्षक, नेता या आचार्य या कुलपति की हैसियत से। ठीक है, तो ये बात इसमें ठीक है। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन में नेताओं का संबंध शिक्षार्थी में विविधता के प्रति जवाबदेही से होता है। तो वास्तविकता यही है कि शैक्षिक प्रशासन का काम जहां हो रहा है तो वहां लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो जवाब भी देना पड़ता है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फूले में कौन सी एक विशेषता नहीं हो सकती है? कवित्री, शिक्षाविद, समाज सुधारक या राजनीतिक कार्यकर्ता? देखिए, सावित्रीबाई फूले जो थी एक कवित्री थी मराठी, शिक्षाविद भी वो थी, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया है, उन्होंने स्त्री शिक्षा, अनुसूचित जाति की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया है। 1948 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी, और समाज सुधारक भी वो थी, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थी। ज्योतिबा राव फूले जी की वो पत्नी थी। ठीक है, आंसर डी इसमें गलत आंसर हो जाएगा। वैश्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी किसको मापने में मदद करती है? तो बुद्धिमत्ता मापनी है तो बौद्धिक क्षमताओं को मापेगी ना, तो बुद्धिमत्ता मापनी इससे देख लेंगे बौद्धिक क्षमताओं का मापन करती है। निम्नलिखित में से कौन नेल नोडिंग्स के केयर मॉडल के मुख्य घटक हैं? कंपोनेंट्स बताने नेल नोडिंग के केयर मॉडल के। पहले मॉडलिंग, संवाद, अभ्यास और पुष्टि, चारों सीक्वेंस में लगे हुए हैं, मौलिकता का इसमें कोई काम नहीं है, मौलिकता इसमें नहीं आता है। तो ए बी सी डी आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। पेडागॉजी अध्यापन शास्त्र अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है। ठीक बात है, इसमें अध्यापन शैली, अध्यापन सिद्धांत और फीडबैक मूल्यांकन सम्मिलित हैं, ये भी ठीक है। इसमें कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित करने की शैली शामिल है, ये भी ठीक है। इसमें वांछित है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की आयु भिन्नता, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। जब तक बच्चों के बारे में टीचर जानेंगे नहीं तो कैसे उनको पढ़ा सकते हैं या कैसे वो प्रभावित होंगे उनसे या कैसे अपना इफेक्ट उन पर छोड़ेंगे। तो ए बी एंड सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का विचार किसने किया? अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में बात हो रही है हेबरमास, ली शुलमैन, डेंग जियाओपिंग और ल्यूक, इसमें से ली शुलमैन इसमें आते हैं। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान ली शुलमैन द्वारा 1986 में दिया गया। इसमें शिक्षकों की विषय वस्तु ज्ञान और निर्देशात्मक विधियों, शैक्षणिक ज्ञान के उनके सामान्य ज्ञान के अलावा शैक्षणिक सामग्री, ज्ञान को सहयोगियों और शिक्षण विशेषताओं के तीसरे प्रमुख घटक के रूप में उन्होंने इसे समझाया है। शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा किसने दी? तो बैंकिंग अवधारणा दी पाउलो फ्रेरे ने। पाउलो फ्रेरे ने बैंकिंग अवधारणा को दिया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इवान इलिच की बात यहाँ पर हुई है, चिकित्सक, उद्योग और यौन विज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों में कार्य किया है इन्होंने। हर्बर्ट और प्रेस्टोलॉजी दार्शनिक थे। अरस्तु का उपदेश निम्नलिखित के लिए दार्शनिक आधार बना, किसके लिए बना अरस्तु का उपदेश दार्शनिक आधार? वास्तविकतावाद के लिए, आदर्शवाद के लिए, प्रकृतिवाद के लिए, अस्तित्ववाद के लिए? अरस्तु का उपदेश रियलिज्म, वास्तविकतावाद के लिए दार्शनिक आधार बना। पोर्टफोलियो विकास प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? क्या करते हैं पोर्टफोलियो विकास में? सबसे पहले देखिए, पहले तो डाटा कलेक्ट करेंगे, एकत्रीकरण, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन उसको देखेंगे, उसके बाद उसको शॉर्ट करेंगे डाटा को,
और उसके बाद उसको शो करेंगे या डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे। तो इसमें पहले नंबर पे आएगा ए, ए यहाँ पर दो में आ रहा है। दूसरे नंबर पे हमें करना है परावर्तन रिफ्लेक्शन, तो ए के बाद डी जिसमें आएगा वो वाला हमारा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो यहाँ 25 क्वेश्चंस की सीरीज मैंने यहाँ पूरी कर दी है, सेकंड सीरीज जल्दी मैं आपको देती हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।